अभी इसके बाद यानी कल हम रोटरडम नेदरलैंड की तरफ जाएंगे। तो आज हमें मैक्सिमम जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों अभी हम एटोमियम को बाय बाय बोलते हैं और अपने ट्राम की तरफ वापस जा रहे हैं। ट्राम यानी कोई 15-20 मिनट बाद जाएगी। अभी बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ट्राम पे जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा विज़िट रहा दोस्तों, यानी मेरे ख्याल से यानी लाजमी आना चाहिए जो कोई भी बेल्जियम विज़िट करता है। तो ये प्लेस लाजमी एक्सप्लोर करनी चाहिए, काफ़ी कुछ है अंदर खूबसूरत बना हुआ। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। फिर वो टिकट का ख़र्चा और बाद में अगर फ़ोटो वगैरह लेनी हो तो वो 10 यूरो की एक फ़ोटो देते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने कहा फ़ोटोज़ तो बंदा खुद भी बना लेता है, लेकिन वो कोई काम की चीज़ हो तो वो लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वो छल्ला ले लिया। तो ये था दोस्तों आज का टूर, जो कि बहुत बेहतरीन गुजरा। और यहाँ टाइम काफ़ी लग गया हमारा, क्योंकि जगह अच्छी थी। पिक्चर्स वीडियो बनाते हुए टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया, टाइम का पता नहीं चला। तो अभी हम जाएंगे वापस और भूख बहुत ही लग चुकी है, तो खाने के लिए कुछ मैंने रखा भी नहीं पास। पानी है तो पानी उधर जाके ट्राम स्टेशन पे जाके पीता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको मिलते हैं फिर ट्राम स्टेशन पे, बाय। दोस्तों यहाँ और भी मिनी यूरोप और म्यूज़ियम वगैरह भी थे, तो वो मैं नहीं गया उधर, क्योंकि अगर उधर भी चले जाते तो सारा दिन इधर ही लग जाना था। तो इसलिए मेन जो मैंने एटोमियम उधर ही टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए वो दूसरी दो जगहों पे नहीं गया। और वैसे भी यानी म्यूज़ियम वगैरह अगर उधर भी चले गए तो इन चीज़ों पे टाइम बड़ा लग जाता है। वहीं से फिर मैंने कहा अभी कि पार्लियामेंट वगैरह दूसरी जगहों पे भी जाना है, तो इसलिए उनको स्किप कर दिया। यानी सेम ही थे, ऊपर से वैसे भी व्यू पार्क वगैरह पहले ही लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा है, तो पार्क वगैरह थे। मैंने कहा बस आज के लिए इधर इतना ही काफ़ी है। सभी जो चीज़ें वगैरह वो सेल कर रहे हैं इधर, काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हो तो फिर यानी यू हैव टू स्पेंड मनी, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन काफ़ी मज़े वाली अट्रैक्टिव जगह जो मैं रिव्यू आपको दे रहा हूँ, यानी आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू कम। तो दोस्तों अभी हम ट्राम वाले की तरफ जा रहे हैं, तो ट्राम जाकर देखते हैं कि ट्राम हमें निकल गई है या अगली वाली कैच करनी पड़ेगी। जल्दी तो नहीं है वैसे, यानी ट्रैवलिंग करने आए हैं, यानी जल्दी तो मैं नहीं करता, आराम से ट्रैवलिंग करता हूँ। यानी कोई इतनी कौन सा जाके जो बिज़नेस मीटिंग करनी है जो जल्दी करूँ, इसलिए आराम से ट्रैवलिंग करनी है। सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवलिंग का मकसद ये है कि अपना आराम सुकून से जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, जितना टाइम लेना है लोग चीज़ें देखने के लिए। तो दोस्तों यही सबसे अच्छी बात है सोलो ट्रैवलिंग की, कि आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता और ना ही किसी की कोई राय लेनी पड़ती है। सीधा यानी जहाँ आपका दिल कर रहा है वहाँ आप ट्रैवलिंग करो। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा इधर ब्रुसेल्स में, और हॉस्टल आपको वैसे ही सस्ते मिल जाते हैं 20-25 यूरो में। तो सिर्फ थोड़ी हिम्मत या अगर बंदा करे तो। मैं तो शुरू से ही यानी ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा चले जो भी ट्रैवलिंग करते हैं उनको आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, जो नए बंदे यहाँ आते हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। लेकिन मैंने तो कोई वीडियोज़ वगैरह तो नहीं देखी, खुद ही आके इधर नेट पे गूगल पे लगाया और टिकट वगैरह ली और निकल पड़े।
यानी इस तरह मज़ा भी आता है। अगर पहले ही पता हो आगे क्या होना है तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है स्टोरी का। तो इसलिए जब भी ट्रैवलिंग करें तो इसी तरह करें। तो दोस्तों अभी हम ग्रैंड पैलेस वापस आ गए हैं और अभी मेट्रो से निकलने लगे हैं। सर सॉरी दे। दोस्तों ये है एस पलांडे, अगर आपने जाना है तो यहाँ से ट्राम मिलेगा। तो दोस्तों ये डे पास जो 8 यूरो का मिलता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो नॉर्मली टिकट की प्राइस 2.60 सेंट है। तो अगर आप एक दिन का 24 आवर का डे पास ले लेते हैं तो यानी आपको काफ़ी चीप पड़ता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम खाना खाएँगे क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। वहाँ हमने काफ़ी टाइम लगा दिया ऑटो में हमने, तो अभी यहाँ कोई शॉप देखते हैं। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है तो कोई खाने वाली शॉप पे खाना खाते हैं और साथ मोबाइल को चार्ज करते हैं। शॉप ढूंढी है जो कि तुर्की शॉप है सुल्तान रोक कबाब, तो यहाँ के कबाब खाएंगे हम। ब्रुसेल का पहला कबाब चेक करेंगे। शॉप तो अच्छी है और अभी जायका भी मुझे लगता है अच्छा ही होगा क्योंकि सुल्तान रोक कबाब एक ब्रांड है।
तो दोस्तों ग्रूम काफ़ी अच्छा था और हमने खाना खा लिया, तो अभी मोबाइल को चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग करने के बाद फिर हम दोबारा एक्सप्लोर करने निकलेंगे चीज़ें। तो अभी हॉस्टल जाकर थोड़ी चार्जिंग कर लें, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों दुरुम को इतना ख़ास नहीं था, यानी फैना दिल जेबलिस इदारे आती है यानी। तो अभी कापादोकिया कबाब का विज़िट करना रहता, लेकिन अभी कबाब खाने को दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए रात का डिनर हम कोई दूसरी शॉप्स ढूंढेंगे जहाँ पर हमें कोई अच्छा सा अच्छा खाना मिल जाए। तो दोस्तों फिर मैं मोबाइल चार्जिंग करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, हॉस्टल में फ़ोन को चार्ज करेंगे और फिर दोबारा से निकलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह रहती हैं और कल फिर हमने रोटरडम के लिए रवाना हो जाना है। तो ये बेल्जियम का 2 दिन का टूर बहुत ही ज़बरदस्त टूर रहा। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। कल हमारी कोई सुबह 10 के 11 बजे फ्लेक्स बस है, तो कल फिर हमें ज़रा जल्दी उठना पड़ेगा, होटल से चेकआउट करेंगे और फिर रोटरडम के लिए रवाना हो जाएंगे। रोटरडम भी एक बहुत खूबसूरत सिटी है नेदरलैंड का। तो उसके बाद फिर आगे का प्लान आपसे शेयर करेंगे। अभी कल का प्लान आपसे शेयर कर दिया, कल हम जा रहे हैं नेदरलैंड और फिर उसके बाद उधर जाकर आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी यानी हर कंट्री जाएंगे, सभी कंट्री का विजिट टूर करेंगे और सभी कंट्री में 2-2, 3-3 दिन रहकर आराम सुकून से ट्रैवलिंग करेंगे और जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जल्दी में ट्रैवलिंग करने का कोई मज़ा नहीं, इसलिए ये 2-2, 3-3 दिन रहेंगे, सभी जगहों पर जाएंगे। इन जो ट्रैवलिंग में इशू आता है यानी टिकट्स वगैरह आपको सस्ती मिल जाती हैं, बसों की, ट्रेन की या प्लेन की भी सस्ती मिल जाती हैं रायनीर से, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है अकोमोडेशन की, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव, यानी यहाँ तो 22-23 यूरो में अकोमोडेशन मिल जाती है, लेकिन अगर आप ओस्लो जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी इंशाल्लाह वो भी इस टूर में शामिल करेंगे, और उधर जो मेन मसला आ रहा है वो है अकोमोडेशन का। तो क्योंकि समर की वजह से अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ को थोड़ी प्राइसेस नीचे आएँ। जैसे ही प्राइसेस थोड़ी नीचे आती हैं तो हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का विज़िट करेंगे, तो हम पूरा यूरोप का विज़िट आपके साथ शेयर करेंगे, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और यानी नॉर्मल पब्लिक बसेस पे, यानी एक नॉर्मल शहरी की तरह, यानी यहाँ यूरोप में जो एक नॉर्मल बंदा रहता है उसकी तरह, यानी कार्स वगैरह रेंट नहीं करेंगे, यानी ये वॉकिंग टूर करेंगे और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम एक कैफे में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।